बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ा गई लकड़बग्घा और कुत्ते, वरिसू ठुनियो का तशन बरकरार। 2023 के दूसरे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की दो फिल्मों ने दस्तक दी थी। एक और विक्टर मुखर्जी की लकड़बग्घा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, तो दूसरी ओर विशाल भरद्वाज के बेटे आसमान भरद्वाज की फिल्म कुत्ते भी आई है। वही जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर पांचवें हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इनके अलावा पोंगल पर रिलीज हुई साउथ की फिल्म थुनियो और वरिसू के बीच पहले ही दिन से टक्कर देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस का महारथी कौन बना है। आसमान भरद्वाज के निर्देशन में बनी कुत्ते मल्टी स्टारर फिल्म है। इसमें अर्जुन कपूर, तब्बू, राधिका मदान, कुमुद मिश्रा, नशीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन सहित कई सितारे शामिल हैं। फिल्म में इतने सारे सितारे होने के बाद भी इसे बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली है। सामने आए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 1.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। विक्टर मुखर्जी के निर्देशन में बनी लकड़बग्घा में भी कई सारे सितारे नजर आए हैं। अंशुमन झा, रिद्धि दोगरा, मिलिंद सोमन और परेश पाहुजा स्टारर फिल्म को ओपनिंग डे पर अच्छी शुरुआत नहीं मिली है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि फिल्म का पहले दिन का कारोबार लाखों में ही सीमित रह गया है। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 की रिलीज का पांचवा हफ्ता शुरू हो गया है। फिल्म पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डर कमाई कर रही है और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। वही शुक्रवार को फिल्म ने 1.26 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और ऐसे में अब इसकी कुल कमाई 381.02 करोड़ रुपए हो गई है। आज के लिए वीडियो में था इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।